भाई मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है यार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। ओए कमर दबा दे थोड़ी सी, आ जा। मैं भाई कुछ और दबा। अरे आ आ अरे कुछ और दबा तो समझ नहीं। क्यों हुआ साला कमर? आ अरे दबा दे यार। क्या दबाना? कमर। आ जा आ जा। देख साले कौन है भाई? कोई छोरी देखेगी यहां पे तो। मैं आया कौन था भी? एक भाई आया था। क्या कह रहा? ऐसा ही यार अपना है ना, वी आर डूइंग बेस्ट यार। हमारा घर भी, हमारा घर भी बेच दे करो। थैंक्स गाइस बहुत बहुत प्यार देने के लिए, और बहुत ज्यादा सपोर्ट देने के लिए, और बहुत ज्यादा वोट देने के लिए, और प्रोटीन का डब्बा भी दे दो यार हम जिम जाते। साढ़े को जहर डाल के दे जाएगा तो इसको जहर डाल के दे दो प्रोटीन। ओ बंद डब्बा लूंगा भाई मैं, यो बंद डब्बा, बंद डब्बे में जहर। अमीर बाबा अपनी छोरी भी दे दो। यो यो तुम भी ना मरे, तू भी ना मरे, जहर खा के। जहर खा के हम तो जहर खुआ के भी ना मरो। जहर खा के तो मैं सब भी ना मरो। तो जहर जहर को काटता है हमारे अंदर, इतना जहर है। कटारे कितनी देर मारा? कटारे ना रहा भाई, वो थोड़ा भी आज कटारे आज पुलिस ने पकड़ लिया। कटारे को फिर पोना, मैं सो रहा हूं कह रहा। अरे यार पुलिस वाले ने पकड़ लिया दिल्ली में, नंबर दिए किसी का मैं नंबर दे दिया भाई, नंबर दिया वो भाई इतना ईमानदार। मैंने भी पुलिस वाले का नंबर दिया, नुकर 1000 रुपए दिया। कैश का 5000 नहीं, 1000 का चलान कटा। 1000 रुपए का चलान कटवाया हमने, कटाया भाई। सुनो एक खा ली ना, अब और मत खाना, ये मैं बता रहा हूँ सही नहीं है, मोटे हो जाओगे। और जहर है इसमें, कुछ भी हो इससे दूर रहो अभी के लिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने का आया भाई, अंदाजा लगाओ भाई। ये इस पर रेट लिख रहा, ना लिख रहा, महंगा ही आया हुआ भाई। आज इसकी सवारी नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली आज। अरे बंद कैसे ना हो रही होगी। और आज चलाएंगे भाई सफारी, जिंदगी में पहली बार। ये तो मैनुअल है, ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, वाओ। आज हमारे पे सफारी आई है, किसकी? वेलकम जी, वेलकम भाई। आपकी सफारी है, हमारी सफारी, ये वही सफारी नहीं, दिस इज टाटा की सफारी भाई। ये वही सफारी जिसमें हमने कांड किया था, टाटा के शोरूम में जाके हल्ला मचाया था जिसमें हमने। चलो भाई, विनय भाई सुनो, वेयर आर वी गोइंग? सच बता दे, सच बता दो भाई। भाई अर्चित को हम खड़ा कर रहे हैं उसके छत से और फिर गिरा दें। नहीं भाई, हम आज मैं जा रहा हूँ अपने बड़े भाई के पास, भाई के बड़े भाई के पास, राकेश भाई के पास, राकेश भाई के पास, यस फाजिलपुर जा रहे हैं भाई के ऑफिस पे। भाई पीछे कैसे होता है? हो गया हो गया हो गया। क्यों जा रहे हैं? हम सब पूछेंगे भाई क्यों जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि, भाई फोन बंद कर ले रहे, क्योंकि हमें थोड़ी नॉलेज लेनी है पॉलिटिक्स की, कि क्या होता है। मेरे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, तो भाई ने बोला कि एक बारी भाई के पास चलते ही हैं और भाई से पूछते हैं क्या सिस्टम हो सकता है क्या नहीं। सारी चीज़ें भाई के पास जाके बताएंगे। अभी हम जरा सोच लें कि और सफारी के मजे ले लूँ मैं सफारी का। भाई इसका वो खोल दो ना पूरा सनरूफ। ओ माय गॉड, वो है क्या इसमें? पैनारोमिक। पैनारोमिक कितने की आई थी भाई? ये 24 की। टॉप मॉडल है ना, इससे ऊपर है टॉप मॉडल, टॉप से चले। ओके माय फ्रेंड, इसका कैमरा लैग कर रहा थोड़ा सा। कैमरा इसका वीजी कैमरा, 2G कैमरा। टाटा और महिंद्रा में यही दिक्कत रहती है भाई ज्यादातर, मैं देखता हूँ ना। तो चलो अब चल रहे हैं भाई सीधा फाजिलपुर, राकेश भाई के ऑफिस पे। भाई देखो पॉलिटिक्स खेल लिया है तो एक ऐसा ऑफिस चाहिए। हाँ है जी, बिल्कुल चाहिए भाई। फिर इस ऑफिस में होगा क्या? बंद कमरे से नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इस ऑफिस में होता क्या है भाई? सपोज हमने खोल लिया अपना ऑफिस ऐसा, इस ऑफिस में, उस ऑफिस में करेंगे क्या? ऑफिस में है कि गांव समाज के मौजूद आदमी जो होंगे ना, वो आएंगे अपनी समस्या लेके, अपनी समस्या लेके आएंगे। और भाई उन्हें सॉर्ट कैसे करेंगे भाई? अगर आप पावर में हो गए तो सारे पुलिस प्रशासन और हर चीज़ में, निगम विगम, MCD, MCG सब में आपका वो रहेगा, लाइसेंसिंग रहेगी। आप फोन करोगे कि भाई मेरे बंदा है, इसका ये लाइसेंस बनवाना है, इसका ये करना है। मतलब पॉलिटिक्स से पावर आती है, जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला उसके पास पावर कैसे आएगी यार? उसका काम ही वही है, काम कराना लोगों का।
समझा नहीं मैं अभी मतलब वो जैसे करवाएं रिक्वेस्ट कर करवाएं कैसे करवाएं ओके मतलब यही वो है ट्रिक नहीं नहीं यार उनको रिपोर्ट करना पड़ता है मतलब जितने महकमे के आदमी हैं एमसीजी के हो गए तो वो भी तो रिपोर्ट करेंगे मैं समझ गया जो लोग आते हैं नमस्कार जी नमस्कार जो लोग आते हैं उनको एक प्रोसेस में गाइड करते हैं कि ये प्रोसेस के थ्रू ये वाला काम हो सकता है करेक्ट बिल्कुल यही कह रहा हूँ ना बिल्कुल हाँ एक करेक्ट प्रोसेस कैसे फॉलो करना है और उस प्रोसेस में हेल्प कैसे होगी और उस प्रोसेस में हेल्प कैसे होगी वो है मेन काम है ना अब समझ आई मतलब मैं ये सोच रहा था पहले राकेश भाई आपके बताएंगे अब बाकी भाई तेरे मेरे तुक्के से बात नहीं बनेगी चलो मेन चीज़ तो भाई क्या देखा कौन सा ही निकला है अभी पता लग जाएगा सो गाइज हमारे साथ आ चुके हैं मेरे बड़े भाई राकेश यादव जी जो कि मेयर की तैयारी कर रहे हैं गुड़गांव से तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कोई प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ मैं बस भाईचारे में भाई से कुछ क्वेश्चंस पूछने आया हूँ क्योंकि मेरा भी लगाव है इस चीज़ के अंदर तो भाई मैं आपसे मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे और मैं चाहता हूँ आप मेरे को सही गाइड करोगे और आप मेरे को बताओगे भी क्योंकि क्या पता लोग जैसे किसी आप नेता के पास जाते हो भाई उनके पास कोई पहली बात तो ऐसे बैठ के सवाल नहीं कर सकते कि भाई ये बता दो वो बता दो क्योंकि उन वो बताएंगे ही नहीं या फिर कुछ डिप्लोमेटिक जवाब दे देंगे तो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो कि जो है जो है नहीं है ठीक है भाई राजनीति तो है ही नहीं मतलब ये तो है पर्सनल वाला भाईचारे वाला मतलब एक तरीके से मैं आपके पास गाइडेंस लेने आया हूँ पॉलिटिक्स की और मेरे को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही इंसान हो जो आप सही गाइड कर दोगे मेरे को भाईचारे तो मेरे कुछ क्वेश्चन है अभी मैं बस स्टार्ट करूँ जैसे लोग कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खराब है मतलब जो पॉलिटिक्स के अंदर घुस गया वो खराब हो गया तो इस वाली चीज पे आप मतलब क्या स्टैंड लेना चाहते हो पॉलिटिक्स का नहीं पॉलिटिक्स जो कह रहे हैं खराब है खराब के भी होते हैं कि किस तरह से खराब है आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो तो आप जनता की सेवा के लिए करो पॉलिटिक्स खराब तब है तब आप अपने सेल्फिश हो जाते हो या गलत काम करते हो तो पॉलिटिक्स खराब है वरना एक बहुत अच्छा माध्यम है पॉलिटिक्स ज्वाइन करके आप जनता की सेवा प्योरली जनता की सेवा करने चाहते हो पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया चीज़ है आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जैसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स तो दलदल है एक बार इसके अंदर घुस गए तो कहानी खत्म है इसी में रह जाओगे जिसका मन होता है कि पॉलिटिक्स करनी है और लोगों की सेवा करनी है तो वो सीधे तौर पे आ सकता है कर सकता है और दलदल किस तरह का दलदल नहीं कोई भी काम करेंगे तो उसमें भाई कोई बिजनेस करते हैं वो फेलियर हो जाता है तो उसको भी दलदल कहते हैं लोग तो पॉलिटिक्स ऐसा कोई ऐसा मतलब एक तरीके से मिथ बना रखा है हाँ नहीं ऐसा कुछ पॉलिटिक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स अगर आप साफ सुथरी राजनीति करो तो बहुत अच्छा है और आपको भाई कितना टाइम हो गया पॉलिटिक्स के अंदर 2013 से एक माइंड में आया कि शुरू में भी चलो कुछ किया जाए पहले यहाँ पे बैठे थे तो लोगों के साथ मिलजुल के कुछ काम करते थे जैसे सोशल कोज ही हो जाते थे जैसे कोई अपने कथा करवा रहा है इस तरह के काम थे जैसे गार्ड्स रूम थे 2008-09 में यहाँ पे गार्ड्स रहते थे पूरे साउथ सिटी 2 में लेकिन उनको जैसे बारिश होती थी सर्दी होती तो रूम नहीं थे तो RWA के पास फंड नहीं थे तो हम लोगों ने मिल के फंड इकट्ठा किया और गार्ड्स वगैरह के रूम बनवाए तो एक सोशल कोज हो गई बेसिकली तो तब से शुरू हुआ और फिर 2013 में फर्स्ट टाइम माननीय मोदी जी की रैली थी रेवाड़ी में तो मैंने कहा चलो एक अटेंड पहली रैली अटेंड करके आए तो उससे पहले तो अपने बिजनेस में लगे हुए थे 2013 से ही आपका स्टार्टिंग हुआ हाँ बेसिकली पहली रैली 2013 रेवाड़ी से ही मान लो जो आप मतलब एग्रेसिवली जो शुरू किया वो 2013 से रेवाड़ी रैली से शुरू किया उसके बाद अपने यहाँ पे शुरू किया एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि जैसे पॉलिटिक्स किसी ने करनी है बहुत पैसा चाहिए बैकअप चाहिए पावर चाहिए तो इस पे आपका क्या स्टैंड है कि कितना पैसा चाहिए ये लड़ने के लिए इलेक्शन पॉलिटिक्स दो तरह के होते हैं एक पॉलिटिक्स होती है आपको संगठनात्मक पॉलिटिक्स करनी है जैसे आपको संगठन में रहना है एक दूसरी पॉलिटिक्स है कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो नो डाउट देखो इलेक्शन में पैसा चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे पैसे वाले लोग ही संघ चुनाव लड़ते हैं हमारी पार्टी में बहुत एग्जाम्पल है बहुत उदाहरण है जो जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो भी चुनाव लड़े हैं तो जिनकी सोच अच्छी है पॉलिटिक्स में वैसे बेसिकली क्या है कि डेली नीड है अगर आप परिवार में एक ही हो और आप ही काम करते हो पूरा परिवार आपको उसी से चलता है और आप 24 घंटे की पॉलिटिक्स करोगे तो घर में कमाने वाला नहीं होगा तो फिर आप कोशिश करोगे राजनीति में ही आप कमाने की भी कोशिश करोगे तो वो फिर वो जिसकी आप दलदल की बात कर रहे हो तो फिर वो शुरू हो जाएगी अगर आप सेवा भाव से आओगे तो फिर उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है और वरना देखो पैसे की जरूरत तो नीड तो आपकी है घर के खर्चे तो हैं ही सब कुछ है अब जैसे मैं भी एक हूँ तो मैंने पापा तो कहनी पड़ेगी पापा जॉब मत छोड़ देना अगर मैं कभी 24 घंटे के पॉलिटिक्स में आया तो
जो भी नहीं या आपका ऐसा बिजनेस हो या अगर आप प्योर टाइम पॉलिटिक्स, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जो सिंगल हैं और पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अपना एक सेटअप होना चाहिए। अब आप 2-3 लाख रुपए कमाते हो, गुड़गांव जैसे शहर में इतना घर का खर्चा हो जाता है और उसमें आप पॉलिटिक्स भी करोगे, काम पे ध्यान नहीं रहेगा, तो देखिए फिर तो आपके लिए परेशानी होगी। मतलब एक अलग टाइम चाहिए, हाँ, प्लस ऐसा होना चाहिए कि घर भी चल रहा है साथ साथ, हाँ, फिक्स हो, ऐसा हो कि आपके पास कोई इनकम है कि वैसे इससे काम चल जाता है। जैसे हमारे एरिया में बहुत से लोगों के पास, जैसे लोगों ने रेंट वैल्यू बनाई हुई है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं कि भाई चलो फिक्स एक रेंट, एक फिक्स इनकम होनी बहुत जरूरी है, आपके डे टू डे के बहुत खर्चे हो जाते हैं। और ऑन एन एवरेज एक इलेक्शन पे कितना खर्च हो जाता है, मतलब फिर भी इसकी कोई सीमा नहीं है, एवरेज कितना ही खर्च, हाँ कितना ही खर्च कर लो। एक हमारे साथी जैसे 2017 में काउंसलर के इलेक्शन में उसके तो 5 लाख रुपए भी नहीं लगे, और कुछ लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए लगा दिए इलेक्शन में, तो ये तो अपने को पैसा तो चाहिए देखो, हाँ, या फिर पब्लिक का सपोर्ट चाहिए सबसे सबसे जरूरी है। देखो पब्लिक सपोर्ट, आपको पैसे देने वाले भी पब्लिक मिल जाती है इलेक्शंस में, ऐसा नहीं है आप अच्छे इंसान हो और आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये नहीं है कि भाई पैसा ही होगा तो आप इलेक्शन लड़ोगे, ये ऐसा भी नहीं है। मैंने बताया 5 लाख रुपए का भी एग्जांपल है और वो भी लोगों ने दे दिए थे। ये वाली पब्लिक हमें चाहिए जो पैसा देती है। और भाई जैसे आपके पास लोग आते हैं, जैसे डेली बेसिस पे लोग आते होंगे कि हमारा ये काम कर दो, ये वाला हमें समझ नहीं आ रहा, ये समझा दो, तो किस तरीके के ज़्यादा काम आते हैं आपके पास? कुछ तो लोगों के काम होते हैं जिसे डोमोसाइल बनता है, उसमें अथॉरिटी होती है कि भी काउंसलर्स को, या पहले तो सरपंच करते डोमोसाइल हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, रिहायशी प्रमाण पत्र हो गया, इस तरह के काम तो डेली के जो ऑफिशियली लोगों के होते हैं वो होते हैं। और दूसरे काम जो सभी जनता के होते हैं, तो पर्सनल हो गए किसी के, सभी जनता के तो काम वो ये मेन तो सीवर, पानी, लाइट और अपना सड़क। भाई मैंने एक चीज़ ना बहुत नोटिस करी है, जैसे मेरे साथ मतलब पर्सनल भी हो रखा है, एक थे फरीदाबाद के नेताजी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो क्या करते हैं लोगों ने टरकाते हैं कि हाँ ठीक है या फिर नहीं, तो क्या तो लोगों से डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि भाई नहीं हो सकता, आप जैसे किसी ने कोई काम ले गया आपके पास जो आप कह रहे हो कि भाई नहीं हो सकता, तो क्या आप उसको डायरेक्ट बोलते भाई ये पॉसिबल नहीं है बट हम ट्राई करेंगे और जो पॉसिबल है वो हो जाएगा सीधा सीधा? देखो दो तरह के काम होते हैं, एक काम में कुछ जैसे हमारे रोड सीवर पानी के काम है, इनमें तो बेसिकली हमारे टेंडर लगते हैं, उनमें टाइम लग जाता है, तो उसमें आप सीधे उनको बता दो कि भाई 1 महीने का समय लगेगा, 2 महीने का, कुछ बेसिक होते हैं कि जैसे आपके रोज़मर्रा के काम है, सीवर ब्लॉक हो गया तो आपको उसको तो 24 आवर्स आपको कंप्लेंट रिजोल्व कर देंगे, पानी की छोटी मोटी कहीं पे लीकेज आएगी, ये छोटे मोटे काम है, लोग उसमें लापरवाही बरत जाते हैं कि बेसिकली फ़ोन करना होता है आपको अपने टीम को, जेई को, एसडीओ को, और तो वो जल्दी करा देंगे तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो उसमें ये होता है कि कई बार मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि कोई भी काम जैसे लेके आया कोई, और मैंने साथ साथ अगर जो मैं अपने डिपार्टमेंट में MCG में या अपनी टीम को नोट करा कर साथ साथ टीम को अगर भेज देता हूँ तो नो डाउट उससे बहुत फर्क पड़ता है। टरकाने वाला काम नहीं रखना, जो बात है सीधी। नहीं नहीं, अगर आप टरकाओगे तो समय आने पर जनता आपको टरकाएगी, वो ठीक है बोलेगी नहीं लेकिन आपको टरका देगी जनता। ये तो है भाई। तो 22 बार की तैयारी कैसी चल रही है आपकी, ग्राउंड रिपोर्ट कैसी है? फिर ग्राउंड रिपोर्ट तो देखो आप लोगों से मिलो वो बताएंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश, हमारे नगर निगम में 67 गाँव है, तो मैं एक सिंगल ऐसा आदमी हूँ जो 67 के 67 गाँव मैं एक बार हुआ हूँ, सब गाँव में देखे आया हूँ, सब लोगों से मिला हूँ, और इवन अब गुड़गांव की तरफ, ओल्ड गुड़गांव की तरफ भी मेरा रुझान है। लास्ट वीक, कल भी हमने एक प्रोग्राम किया था रामनगर में, पिछले हफ्ते हम शिवाजी नगर गए थे, तो मेरी कोशिश है पूरे गुड़गांव को एक बार कवर किया जाए। चलो भाई, और भी क्वेश्चन थे भाई मेरे दिमाग में, अभी धीरे धीरे आएंगे तो मैं पूछूंगा। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट एज पर आर ब्रदर बहुत सही है। सोशल मीडिया पे मतलब मैंने देखा ज़्यादातर पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना सोशल मीडिया पे उतना ध्यान नहीं दे पाते, सोशल मीडिया रह जाता है, मतलब बड़े से बड़ा नेता भी देखा मैंने खूब सेंटर का, उसके भी रह जाते हैं फॉलोअर्स, तो इसका क्या वो है सीन? मतलब बेसिकली कि सोशल मीडिया यूथ ज़्यादा यूज करता है, तो तो जैसे हमारी जो 45+ के लोग हैं, 60 के लोग हैं, तो एक तो सोशल मीडिया बहुत कम हम कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम फेसबुक पर डाल देते हैं, लेकिन काफ़ी आप देखोगे काफ़ी लोग हैं जो ट्विटर पर हैं, काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं,
तो ये वीक पॉइंट होता है नो डाउट सभी का। मैं वो तो बात है जनता के हाथ में, जनता के हाथ में काम होते रहे। नहीं ये बात मैं समझ गया कि ग्राउंड नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे सपोज भाई ने ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रखा है तो वो चीज सोशल मीडिया पे डाल के भी और लोगों को पता लगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अगर आप देखो आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है, आप ग्राउंड पे आप कितने लोगों का, आप अपने एरिया में जाओगे वही लोग जिस एरिया में आपने काम किया होगा ग्राउंड पे वही लोग आपको जान पाएंगे। लेकिन आपको पूरे गुड़गांव को जानना है, आज गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, अगर इस कोने से उस कोने पे जाना है तो आपको लगभग 10-12 किलोमीटर है, तो 10-12 किलोमीटर जाने के लिए आप ये तो जाके किसी को बताओगे नहीं। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है कि एकदम से आप सोशल मीडिया से पूरे भारत में बता सकते हो, भारत से बाहर भी जा सकते हो। सोशल मीडिया आज के टाइम पे भाई जरूरी तो है, देखो बहुत जरूरी, और टाइम के साथ अडेप्ट करते रहोगे ना, मतलब जैसे पहले फेसबुक चलता था, अब इंस्टाग्राम चलता है, ट्विटर चलता है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ कोई ऐसा बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है। जैसे हमारी एलविशा द फाउंडेशन है, हम भंडारा करते हैं हर सैटरडे, अगर हम सिर्फ ना बताते सोशल मीडिया पे वहीं एक जगह करते होते तो कितने लोगों को पता लगता। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी भाई एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं भाई का वो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, भाई को फॉलो करो क्योंकि ग्राउंड पे बहुत सही रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पे भाई थोड़े लेजी हैं। लेजी के भी क्या, मैं बिल्कुल बताऊँ कि सोशल मीडिया का तो इतना कभी ध्यान नहीं दिया सोशल मीडिया का, लेकिन नहीं पर भाई जैसे मैंने सारी चीज़ें सुनी तो मैं चाहता हूँ कि अपना काम ना फैले और लोगों में फैले, और बहुत जल्दी अपनी फाउंडेशन के साथ भी, भाई की अलग फाउंडेशन, भाई आपके फाउंडेशन का एक बार बता दो कि क्या क्या हो चीज़ें चल रही हैं उसमें। जैसे गरीब बच्चों को स्कूलों में जो है ड्रेस देते हैं, और स्कूल की पूरी ड्रेस कुछ फाउंडेशन से, कुछ अभी कुछ बच्चों को हमने 350 बच्चों को एक साल की फीस भी दी जितने भी, लेकिन हम करते हैं जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे आज जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वही गरीब है, ये तो आप मानेंगे ही। तो इस तरह के काम हैं जो हम कर रहे हैं। एक हमारे एक और वो चल रहा है कि हम बुक्स देते हैं, जैसे काफ़ी बुक्स हैं वो लगभग 3200 बुक्स का एक पैक्स है, जैसे कहीं भी हम किसी लाइब्रेरी में रख देते हैं। मतलब इसी चीज़ से भी पता लग जाएगा कि जैसे सपोज हम भी मान लो सेम काम कर रहे हैं बट ऑन अ वेरी लो स्केल, और भाई बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया की पावर से देखो मेरा तो पता है लोगों को कि भाई ये कर रहा है, और भाई वही चीज़ 10 गुना 100 गुना ज़्यादा कर रहे हैं बट भाई का नहीं पता। तो भाई के सोशल मीडिया को सपोर्ट चाहिए भाई अपने को, क्योंकि अच्छा काम जितना फैले ना उतना बढ़िया है, ताकि और लोग भी इंस्पायर हो कि वो भी अच्छा काम करें। और ये मत समझना कि वो यहाँ पे बैठ के मैं प्रमोशन करने आया कि भाई ये करो वो करो, भाई चाह रहे हैं क्योंकि जो अच्छा काम करता भाई मेरे को बहुत पसंद है। जैसे भाई ने अभी बताया, भाई लिख लिए सारी चीज़ें हम भी करेंगे, बेशक छोटे लेवल पे करें, भाई तो चलो बड़े लेवल पे करते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, आप पॉलिटिक्स में आओ, आप मतलब अच्छे लोगों की जरूरत है पॉलिटिक्स, नो डाउट, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं आप लोगों को। भाई की फाउंडेशन है एलुशा द फाउंडेशन, 10 गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भाई ने लिया है पूरे कोसली विधानसभा में, जितनी भी 10 गरीब बच्चे जो भी आएंगे तो उनको ये पढ़ाएंगे। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा भाई हम तो 10 का ही कर रहे हैं, भाई देखो ना कितने कर रहे हैं। हमारा एक बार साल का पैकेज होता है उसमें कर लेते हैं, जितना एक फंड आता है चलो शेयर पे, कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं उनके, कुछ संस्थाएं भी जुड़ जाती हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा इंस्पायर तू भाई से हो, और थोड़ा भाई, अरे भाई को कहां जरूरत है भाई यार, क्या भाई तुमसे भी इंस्पिरेशन जरूरत है भाई, यूथ तुम हो भाई भी इंस्पायर होंगे। अभी तो डॉगीज के लिए करने वाले, जैसे हमने गौ माता के करा, एनिमल्स के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। तो भाई भी अपना एनजीओ चलाते हैं, अपना गो ग्रास रथ चल रहा है, आप बाहर देखेंगे तो उसमें वो पहले हमारे पास रिक्शा थी जो आदमी मैनुअल चलाता था, अब हमने ई रिक्शा ले लिया है, उस पर आप लिखा हुआ है गो ग्रास रथ, और 1 रोटी और 1 रुपया आप रोज उसमें, मतलब हम हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी पहली रोटी हमेशा पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी हमारी ढोकी की, तो ये लिख देते, तो जीव के लिए भी हमें करना चाहिए। तो आज भी वो गो ग्रास रथ चलता है पूरे साउथ सिटी टू निर्वाणा उपल साउथ एंड की, अब ई रिक्शा थोड़ा एक बड़ा एरिया कर दिया, तो आप सुबह देखेंगे तो बहुत परिवार है पूरा वो भर के आता है। तो मेरी सभी से एक गुजारिश भी है कि इस एरिया में जो रह रहे हैं और जो बाहर भी रह रहे हैं, इस तरह के रथ जरूर चलाएं, और एक रोटी ये सभी गौशाला में चले जाता है। एक हमारे जो संस्कार कहीं ना कहीं छूट गए हैं
वो दोबारा से शुरू हो, जो पहली रोटी हम चलाते लगाते थे कि गौ माता के लिए निकालते थे। ओए ये सारी चीज लिख लियो भाई, ठीक है ना, हमने भी करना है। तो भाई हमारा प्लान बताइए सारा, बस हम थोड़े छोटे लेवल पे कर रहे हैं, आपका भी ना, 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 लेवल कोई छोटा नहीं, कहीं से शुरुआत करनी होती है, आप अच्छे लेवल पे कर रहे हैं और आप मेरे को लगता है कि आप मेरे से बेटर कर पाओगे, यही तो सुन रहा है। आपके साथ यूथ है और जहाँ आपके साथ हम यूथ होता है तो बेसिकली पूरा देश यूथ का देश है हमारा, तो यूथ के साथ ज्यादा लोग रहते हैं, तो ज्यादा मतलब आपको लगता है कि अगर बाय चांस कभी मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बाय चांस नहीं, आप आइए पॉलिटिक्स में, स्वागत है आपका। मैं तो कहूंगा कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि देखो लोगों को फॉलो करने वाले लोग, आप आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, देखो कितने लोग फॉलो करते हैं, तो जिनके साथ लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए जिनके साथ, क्योंकि राजनीति लोगों से है, जिनके साथ लोग हैं उनको नहीं आना चाहिए, लोगों के साथ के बिना भी राजनीति, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो लोग होंगे तो आपको प्लेटफॉर्म, तब आप कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। वो तो उसके बाद की कहानी है ना, कि ही इज केपेबल, वो उसका पावर का यूज करे मिस यूज करे, अगर लोगों ने इसको प्रतिनिधि बनाया तो पावर में आया, उसके बाद पावर को ऑप्टिमम मिसयूज कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति मत के ही करके ही आप कर सकते हो, बहुत सी संस्थाएं हैं बगैर राजनीति के भी कर रही हैं, ये भी राजनीति थोड़ी है। अरे मैं एक चीज कह रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, कोई फेमस है, ठीक है, उसका सब चीज है, उसको भी ये हो गया कि भाई मेरे को पॉलिटिक्स में आना, सिर्फ पैसा कमाना, तो वो पॉलिटिक्स ही है, उसको दलदल का हो गया, आप पैसा कमाने के लिए आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो, तो बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो सेलिब्रेशन तुम्हारे जो ड्राइव कर रहे थे प्लांटेशन की 500 पेड़ 1000 पेड़, वो भाई साहब का भी सेम इच्छा थी, राकेश भाई की भी, हम तो साथ है भाई, अच्छे काम हो रहे हैं। लोग कहते हैं पेड़ लगाने की जगह नहीं है, मेरे पास बहुत जगह है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं तो पूरा एरिया घूमता हूँ कि कहाँ कहाँ जगह है, तो बहुत अच्छी जगह हम लगा सकते हैं, पेड़ भी बहुत लगा सकते हैं। अभी 7,500 के लगभग एक एनजीओ मेरे को मिला था, उनके पेड़ लगवाए मैंने 5 एकड़ में, तो मेरे गांव में जो कम्युनिटी सेंटर बना हुआ वहीं पे लगवाया हमने, तो बहुत जगह ऐसी आप जहाँ पे, और गुड़गांव में तो खासकर पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, और वैसे मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि हम मैक्सिमम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और पूरे जीवन हम ऑक्सीजन लेते हैं, और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम मरते हैं तो भी हम जलाए जाते हैं, कम से कम 2 पेड़ हम अपने साथ ले जाते हैं जलते वक्त भी, तो हम अगर जो कम से कम इतना नहीं कि वे 2 पेड़ तो लगा ले जीवन में अपने हिस्से के, 2 पेड़ तो लगाऊंगा, ये चीज नहीं आई भाई, नहीं आई, इसे यूज करूंगा मैं, लंबा ठाटा है भाई, तेरे को 3 चाहिए। अरे भाई तुम तो भाई फूक लगी बात कर रहे हो यार, अभी तो पॉलिटिक्स में भी लागू थे फूक, पहले तो भाई को बता दो हमने चुरा के रख रहे हैं फॉर्चून, नहीं वो ठीक है, गमले चुरा रखे हमने पता नहीं कहा हमारा। नहीं भाई देखो मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे तेरा क्वेश्चन था कि कोई पैसा कमाने आए पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे हमारी यूट्यूब की लाइन है, कोई अगर ये सोच के आए ना कि मेरे को पैसा कमाना है यूट्यूब से, भाई वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जितना ये सोच के आए कि मुझे पैशन हो जिसके अंदर वो चीज़ करने का, वो ज़्यादा कामयाब होगा। तो सेम वोज फॉर पॉलिटिक्स, कोई पैसा कमाने का सोचेगा कहीं कभी ना कभी तो दिखेगा ही भाई, वो आँखों में लाले से तो दिख जाएगा, पर जो अच्छे काम के लिए आएगा भाई वो सस्टेनेबल है और वो बहुत आगे तक टिका रहेगा, ये समझ रहे हो ये वाली बात। तो भाई बहुत बढ़िया लगा, मेरी आप सभी लोगों से अपील है सोशल मीडिया पे भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत सही चल रहा, सोशल मीडिया की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में भाई के सोशल मीडिया हैंडल्स है, पूरा सपोर्ट करो मेरी तरफ से जाके कि भाई को पूरा सपोर्ट है, साथ में प्लांटेशन ड्राइव भी आएगी, पैसा दो मत दो वो तुम्हारे ऊपर है फाउंडेशन में, पर भाई जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी हमारे फाउंडेशन की तरफ से, भाई के फाउंडेशन की तरफ से, सारी मिल के करेंगे बढ़िया बड़े लेवल पे, क्योंकि हम अभी थोड़ा छोटा सोच रहे थे भाई आगे साथ में, तो अब बड़े लेवल पे चेंजेस लाएंगे। अभी भाई एक ऐसी चीज़ आ रही है गोग्रास रथ, जिसके लिए तूने पूरी गाड़ी पे लिखवा रखा है हिंदू, बड़ा बड़ा लिखवा रखा है हिंदू, अच्छा इस पे भी लिख रहा है हिंदू, नहीं इस पे नहीं लिख रहा, इसका काम हिंदू वजह से, ओके यस लो भाई गौ माता की जय हो। अच्छा जी वाह वाह भाई, ये सही काम है भाई, क्या क्या है इसमें, इसमें ये कि आप सुबह एक रोटी जरूर निकालें, जब आपके घर में खाना बनता है तो गौ माता के लिए एक रोटी जरूर निकालें, जैसे हमारी संस्कृति में, तो पहले गांव में थे तो हम भी सभी निकालते थे, शहर में आके लोगों ने छोड़ दिया है,
तो शहर में लोगों को याद दिला रहे हैं कि दोबारा याद दिला रहे हैं, लगभग 8-9 साल हो गए हम इसको चलाते हैं। एक दोस्त है उसने चलाया हुआ था इधर सेक्टर 40 में, तो मैं उसके वहाँ पे गया, मैंने पूछा भाई कैसे चलाना पड़ेगा, तो कह लेंगे आपको एक ही रिक्शा लेनी पड़ेगी, रिक्शा लेनी पड़ेगी। पहले हमारे पास रिक्शा थी, तो रिक्शा चलाया था अभी 1 साल पहले हमने फिर, ये वो एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा ई रिक्शा हो गया। हाँ, हम फिर मिल के मुझे चलो एक ई रिक्शा ले आओ। प्रतिदिन गौ माता को एक रोटी व 1 रुपये का दान। सुबह शाम नाम है उसका, थोड़ा हैंडीकैप है और वो लगता भी वो 24 आवर्स हंसता रहता है, पिछले 8 साल से वही चला रहा है। तो उसको सैलरी देते हैं हर महीने, सैलरी देते हैं भाई। बहुत बढ़िया काम भाई आपका, हम भी करेंगे स्टार्ट। ई रिक्शा लिया भाई एक, तू भी एक तो चलानी चाहिए हमें भी। तू चला भी भाई, दिन बांध लेते, दो दो दिन बांध ले सारे भाई। हैं ठीक है, 3 दिन दे रहे, 4 दिन और चला लेगा। अच्छा, और आप क्या करोगे? आप कर लेते, फिर चलाओ। मैं मैं ये ब्लॉग बनाएंगे कल के, मैं ब्लॉग बना लूंगा। लो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं भाई देखो, बहुत अच्छी चीज़ है मजाक से हट के, और ये हमें भी करनी चाहिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं भाई उनको भी, जो केपेबल हैं ये चीज़ करने का उनको करना चाहिए। सुबह जो आता है भाई, ये पूरा इसमें माइक भी चलता है। अच्छा, ये माइक में बोलते रहते हैं जो माइक में, जैसे किसी को कैसे पता चलेगा, तो अर्बन में लोग वो कह देते हैं कि भाई इसको मतलब बेल में बजाए, तो जैसे ब्लॉक में घुसता है तो ये माइक ऑन हो जाता है, तो वो बोलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। मतलब लोग कितनी डोनेट कर देते हैं भाई, लोग इसमें रोटी मैक्सिमम लोग रोटी निकालते हैं, कुछ लोग 1 रुपये भी डाल देते हैं इसमें बॉक्स है, तो इसमें ये देखो अभी भी इसमें पैसे हैं, 1 रुपया देखो भरे हुए वजन है इसके अंदर। अच्छा, 1 रुपये इसके अंदर पूरा भरा हुआ, 1-1 रुपये लोग जो दान करना चाहते हैं वो 1-1 रुपये इसमें डालते रहते हैं। ये सही है भाई, 1 रुपये तो देखो सभी कर सकते हैं। हाँ, रोटी, तो भी कर भी रोटी भी कर सकते हैं, ये तो धर्म है हमारा यार, अब तक भी करता है। और भाई शहर में आके लोग शायद भूल गए होंगे, बाकी पुराने टाइम में खेत में खुद की गाय भैंस हुआ करती तो एक रोटी सभी निकालते थे, निकालनी चाहिए अब भी। लगभग 2 क्विंटल के आसपास रोटी आती है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है सही है ना भाई, बहुत बढ़िया काम। लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा हुआ है भाई, प्रतिदिन गौ माता को 1 रोटी में 1 रुपया का दान करें। अब हर घर में गाय तो नहीं है, लेकिन इस माध्यम से भाई लोग निकालते हैं, हम इसको गौशाला में भेजते हैं, तो एक माध्यम बन जाता है, आपकी रोटी सीधी गौ माता तक जाते हैं, तो आप पुण्य के भागीदार हो। बिल्कुल, तो पुण्य स्टार्ट करो भाई, पब्लिक मेरी पुण्य स्टार्ट करो, ना रोटी निकालो और 1 रुपया भी निकालो, काम को स्टार्ट करो। हमारी संस्कृति भी है, दोनों काम हो जाते हैं। चलो आप क्या कहते हैं, संस्कार हमारे देश की परंपरा है, जितनी पुरानी हमारी संस्कृति उतने पुराने हमारे संस्कार। बारिश का मौसम हो, सफारी नीचे गाड़ी हो, अरे खोप चापे डिनर हो, दो पीछे बिल्ली बैठी हो, तो इससे बढ़िया क्या ही होगा। हाँ भाई, भाई क्या खिला रहे हो फिर खोप चापे आज? भाई जो तेरे को मन करे पूछ भी तो किस तरह रेस्टोरेंट का बंद होता है वो तो फिर भाई है ना, भाई तो भी ना पूछेंगे हम कुछ बोली कुछ चावल और दाल आपको दिख जाएंगे तो आप समझ जाना। कटारे ने बस 1 प्लेट चावल खाए भर के, बस ज्यादा ना खाए। उन्नू और कह रहा था भाई हाथ मत लगा भाई, कटारे का यही है यार, नाचे देख कैसे कटारे नाच के दिखा दे चावल का के, ऐसे ही कहेगा तू भाई आहुडी पैर रहा आज तो भाई। ये देखो ये आदिबाजू, ए आदिबाजू, और ये कटारिया 1 प्लेट चावल कैसे बचेगी फिर? मैंने 1 प्लेट चावल खाई भाई ने पूरी कैसे बचेगी? मैं इसकी बात तो ना लेता 1% भी कान में, ठीक है ये एक के छोड़ दे भाई। हमने तो एक काम कर फिर, तू जवाब मत दे, हम कुछ भी बोलते ना कुछ मत कर, अपने नाच तेरे पे पैसा वैसा उड़ाने होंगे, हम अपना उड़ा देंगे आपके बस के। अब जवाब निकलवा के दिखा दो इनसे क्या चीज भाई। ये आपका टास्क है, कोई इतने पॉइंट मारने के कटारे बोल जाए कुछ, कटारे पॉइंट मारने हैं। हाँ। भाई मेरे को बंदा ही नहीं समझता क्या पॉइंट मारूं, बंदों को पॉइंट मारता हूं यार। और नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट था क्या? नहीं भाई देखो, अपने कटारे से कोई शिकायत नहीं, कटारे क्या है ना थोड़ा बुद्धिमान बंदा है, आएगी बुद्धि आएगी, उस दिन बात करेंगे कटारे से। क्यों भाई कटारे आएगी? कटारे का वो तो कट गया चलान, कटारे कटा 1000 रुपए का चलान कटा। क्यों कटा? तो भाई मेरे धरे क्यों मारा है फोन ने ये भाई, ऐसे कर दीजिए तू मेरी बात तो कान में ना ले भाई। भाई मेरे की समझ नहीं आ रही, गाड़ी में बेल्ट पहन रखी, लाइसेंस था, फिर कैसे चलान कटेगा? नू कह रहा मेरी कोई गलती ना, फिर भी चलान काट दिया, ये बात है यार। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। कटारे जी कैसे कट रहा है चलान? भाई मुझे समझ ना आवे, जितने भी पुलिस वाले रोके इसमें क्यों रोके है? क्या तो इसकी शक्ल खराब है या इसकी गैल कोई रह? मेरे थोड़ी समझ के पार था ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट भाई, किसने लिया अंडा?
कटर से फ्रेम से बाहर जाते हुए ऐसे ही कर देंगे तेरी गल तो हम फ्रेम से बाहर ही जाएगा यहाँ नाच यहाँ हाँ यहाँ नाच हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट एड ग्रुप भाई अगला पॉइंट है कटारे जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है आपका चलान क्यों कटा बस कटारे मैच कर रहा है इससे आप झूठ बोल रहे हैं अकेले नहीं थे क्या तो कटारिया कहीं तस्करी में पकड़ा जाएगा कई दिन भाई क्या कह रहा उनका वेट कर रहे हैं हम या फिर वो वाला निपटा हुआ एडिट कट वाला वही चल रहा है स्टूडियो में फटाफट वो भाई भी पीछे पीछे आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है बारिश ये सीन हो रहा है बारिश आ रही बहुत तेज तो कोई दिक्कत नहीं भाई और रही पॉलिटिक्स की बात पेट पेट नहीं कट रहा तो समझ जाओ पॉलिटिक्स में भी आ सकूँ भाई कमेंट कर दो आना चाहिए नहीं आना चाहिए हम तो आज भाई था पूछ के आगे हाँ भाई अगर ये लोग फिर से 1,00,000 कमेंट कर देंगे तो आज ना ना ना, ना। सबसे पहले काम कर दो फिर कुर्ता पजामा पहनने लग जाओ कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं बनता आदमी सोच से बनता था ही और नेता नेता जैसा कोई वर्ड नहीं होता पब्लिक के बीच का आदमी है एक जना अगर वो सबके सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है उसका एक वर्ड निकाल रहा है समाज से भी इज द राइट वर्ड तो मतलब यस जैसे अभी हम छोटा बहुत वो काम कर रहे हैं समाज सेवा का तो अब हम क्या है हम भी भाई नॉर्मल आदमी हैं बट हम समाज को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि उसको बेटर कैसे करा जाए तो जो भी कहना हमें कह सकते हो बाकी मुझे पता है तुम लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो आज छोटे लेवल पे कर रहे हैं कल थोड़े बड़े लेवल पे करेंगे बाकी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।